प्रॉब्लम्स स्किन एलर्जी क्या आप भी इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट एक ऐसे सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो शायद जिसकी तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं हम गौर ही नहीं कर पाते हैं और ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है फिर भी हमें एक परफेक्ट और सही सॉल्यूशन नहीं मिल पाता तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपनी स्किन से रिलेटेड सारी समस्याओं को खत्म कर देंगे और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं तो मैं हूं आरजू आप सबका वेलकम करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरजू एटमी अकेडमी में वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट जब भी हमें कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और हम जब हमारे डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल होता है क्या आपने अपना डिटर्जेंट चेंज किया है या आप किस क्वालिटी का डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं किस तरह का डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि मार्केट के अधिकतर ब्रांड्स जो ब्रांड्स होते हैं उनमें बहुत सारे खतरनाक हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए और स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं जैसे कि उनमें फोस्फेड फॉर्मल डिहाइड क्लोरिन ब्लीच एट्सट्रा एट्सीट्रा बहुत सारे बहुत लंबी लिस्ट होती है ये डेंजरस केमिकल्स की जो हमें मल्टीट्यूड बीमारियों को मल्टीट्यूड हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जैसे कि स्किन कैंसर उससे हमारी इंटरनल बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ऑर्गन डैमेज होने की भी संभावना होती है तो ये डिटर्जेंट हम जो मार्केट के यूज़ करते हैं अब आप सोच सकते हैं कि वो हमें कितना ज़्यादा नुकसान करते हैं जिससे कि हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम डिटर्जेंट से तो हम सिर्फ कपड़े धोते हैं हम इसे खाते थोड़ी ना हैं जो ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी हमारी स्किन और हमें इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है मैं आप सबको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं जैसे कि मैं बात करूँ जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें जो फ्रेश क्लीन जो फ्रेगरेंस जो खुशबू होती है हम में से बहुत सारे लोग सच्ची बताइएगा हम में से बहुत सारे लोग उस फ्रेग्रेंस को इन्हेल करते हैं जिसकी वजह से डिटर्जेंट पे जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं वो इन्हेलिंग के साथ हमारी बॉडी में जाते हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन में जैसे जो पोर्स होते हैं उसकी वजह से भी वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी पे जो सबसे ज़्यादा समय तक अगर कोई चीज़ होती है तो वो होते हैं हमारे कपड़े और ये लगातार कॉन्स्टेंटली हमारी स्किन के टच में आते हैं अब कपड़े आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से धो लें कितने भी अच्छे डिटर्जेंट से धो लें आप उसको वॉश करें बट कहीं ना कहीं उसके कुछ जो अंश हम बोलें उसका कुछ ना कुछ पार्ट आपके कपड़ों में रह ही जाता है जो आपके फैब्रिक को तो खराब करता ही है आपके कपड़े को तो खराब करता ही है साथ ही साथ आपके स्किन और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इवन हम बात करें हम जिस बेड पर सोते हैं हम जो तकिए यूज़ करते हैं हम जो चादर वग़ैरह ओढ़ते हैं वो सब भी हम एक ही डिटर्जेंट से धोते हैं तो हम इतने ज़्यादा डिटर्जेंट से धुली हुई चीज़ों के संपर्क में होते हैं और उनके जो रैशेज उनके जो कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ ना कुछ पार्ट जो कपड़ों में फैब्रिक में रह जाता है वो आपके फैब्रिक को भी ख़राब करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन और आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ एक डिटर्जेंट आपको कितनी सारी समस्याओं से घेर सकता है तो आप लोग ईमानदारी से सोचिए क्या हमें एक अच्छे और सही डिटर्जेंट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है हमें एक ऐसा डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो जिससे हमारे इन्वमेंट को भी कोई डैमेज ना हो नेचुरल हो जिससे हमारे स्किन और फैब्रिक को भी कोई नुकसान ना हो और हम हमारे कपड़े की जो बोले कपड़े का मेंटेनेंस कर सकें हमारे कपड़े की जान भी हम बचा सकें ऐसा डिटर्जेंट होना चाहिए तो आज मैं आपको एटमी लॉन्ड्री फैब्रिक डिटर्जेंट के बारे में बताने वाली हूँ ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसका जो कंटेनर है जो बॉटल है ये बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही लग्जूरियस फील कराती है है। ये बेसिकली दो लीटर आता है 2000 थाउजेंड क्वांटिटी में आता है सबसे अच्छी बात इस डिटर्जेंट की पता है क्या है चलिए मैं बताती हूँ इस डिटर्जेंट की सबसे अच्छी बात है इसकी कैप इसकी जो कैप है ना इस पर इन्होंने मेजरमेंट दे रखा है कि इतना बीस एम है ये फोर्टी एम है है पूरा कैप है सिक्सटी एम का ये जो कैप है ये बहुत ही अच्छी डिजाइन से कि आप इसको आड़ा टेढ़ा कैसे भी कर लेंगे ना तो ये डिटर्जेंट बाहर नहीं गिरने वाला अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो डिटर्जेंट है इसका इन्होंने जो निकालने का तरीका है ना वो भी बहुत प्यारा रखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं हवा हाँ इसका खुशबू बहुत माइंड ब्लोइंग है ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिटर्जेंट है एटमी लॉन्ड्री डिटर्जेंट इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर कुछ भी आर्टिफिशियल इसमें नहीं यूज़ किया है ये बहुत ही प्यारा बहुत ही जेंटल और माइल्ड है और आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉटल है उसकी बनावट बहुत अच्छी है आप इसको किसी भी एंगल से डालेंगे ना डिटर्जेंट इसके अंदर तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा आप देख सकते हैं पास में ले आइए कैमरा हम इसमें जैसे ये लिक्विड डिटर्जेंट हम डाल रहे हैं अभी जैसे मैंने इसको मानो बाहर भी डाल दिया या इधर उधर भी डाल दिया ना तो इसकी जो बनावट है आप पास से देख सकते हैं कि ये कहीं से भी आप इसको डिटर्जेंट को इसके अंदर डालेंगे लिक्विड को वो अंदर ही जाना है बाहर बिल्कुल नहीं होना है और इसकी जो कैप है ये इसको प्रोटेक्ट करती है कि आपका डिटर्जेंट बिल्कुल भी वेस्ट ना हो तो चलिए हमने बात की लिक्विड एटमी लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट अभी इसकी क्या खासियत है वो जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि डिटर्जेंट है क्या? डिटर्जेंट हम सभी लोग जानते हैं ऑब्वियस बात है हर घर में जानते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है डिटर्जेंट एक ऐसा क्लिनजिंग एजेंट होता है जो आपके कपड़ों से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ डर्ट होती है ना उसको बाहर निकालने में मदद करता है क्योंकि पानी अकेला वो सब डर्ट इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालने में सक्षम नहीं होता है इसीलिए हम लोग डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं डिटर्जेंट बेसिकली टू टाइप्स के आते हैं एक लिक्विड फॉर्म में आते हैं और दूसरा पाउडर फॉर्म में आते हैं और कुछ लोग साबुन से भी कपड़े धोना पसंद करते हैं सोप से लेकिन ये बहुत पहले होता था आज भी कुछ परसेंटेज घर में होता है और जनरली घरों में वॉशिंग मशीन आ गई है तो लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं पाउडर्स का और लिक्विड का यूज़ करते हैं तो इन सब में डिफरेंस क्या है या कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो कपड़े धोने की आपकी मेहनत को बचाए हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो साबुन है और डिटर्जेंट है सोप है और डिटर्जेंट्स है उनमें क्या डिफरेंस है तो सोप की हम बात करें सोप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है इवन जैसे बोरिंग का हार्ड वार्ड पानी होता है जो पथरीला पानी होता है उसमें वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है एज वेल डिटर्जेंट्स की बात करें किसी भी प्रकार का वाटर हो चाहे सेलिन वाटर हो एसिडिक वाटर हो हार्ड वाटर हो पथरीला पानी हो कोई भी पानी हो उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है सोप की हम बात करें तो वो स्कम इशू कर देता है जैसे कि धब्बे छोड़ जाता है जैसे मैं आपको समझाती हूँ हमारे बाथरूम में जो आईना लगा होता है ना कांच लगा होता है अगर हम उसको थोड़ा पाँच सात दिन तक साफ़ नहीं करते हैं, तो वो उस पर धब्बे छोड़ जाता है तो सेम चीज़ जो सोप जो होते हैं ना साबुन होते हैं वो भी यही चीज़ करते हैं वो थोड़ा स्कम इशू हो जाता है उनके साथ लेकिन डिटर्जेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है बहुत कम चांसेस होते हैं कि डिटर्जेंट्स के साथ स्कम इशू इश्यू होता है डिटर्जेंट जो है बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और साबुन की बात करें तो साबुन बहुत जल्दी पानी में नहीं घुलता है हम इसको घिसते रह जाते घिसते रह जाते हैं डिटर्जेंट्स की हम बात करें तो डिटर्जेंट के बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग इफेक्ट होते हैं बहुत अच्छे से क्लेंजिंग करता है साबुन के बहुत वीक पॉइंट uh, होते हैं क्लेंजिंग के बहुत वीक पॉइंट होते हैं साबुन जो होते हैं वो इरिटेशन करते हैं डिटर्जेंट्स जो होते हैं इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे और भी डिफरेंसेस हैं आप खुद समझ सकते फील कर सकते हैं। अब हम हैं। बात करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट एंड पाउडर डिटर्जेंट्स की कि दोनों में क्या डिफरेंस है लिक्विड डिटर्जेंट बहुत ही आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है और पाउडर डिटर्जेंट्स की हम बात करें तो वो कम्प्लीटली नहीं घुलता है जैसे कि मानो आपने एक बकेट में कपड़े गलाए आपने पाउडर डिटर्जेंट उसके अंदर डाला और आपने बहुत अच्छे से उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश की लेकिन मानो आपने उसमें 10-12 कपड़े गलाए हुए और अब जब वॉश कर रहे हैं तो जो ऊपर ऊपर के कपड़े होते हैं उनमें तो जो पाउडर डिटर्जेंट है वो नहीं चिपका होता लेकिन लास्ट का जो कपड़ा होता है उस उसमें बहुत सारा जो पाउडर वाला डिटर्जेंट होता है उसके रैशेस उसके अंदर रह जाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है लिक्विड डिटर्जेंट हाइपोएलर्जिक एलर्जिक होता है उससे एलर्जी नहीं होती है एलर्जी अगर आप अच्छा यूज कर रहे हैं तो एलर्जी होने के चांसेस कम होते हैं और पाउडर डिटर्जेंट हार्श होता है और आपको मे बी कॉज कर सकता है स्किन एलर्जिक लिक्विड डिटर्जेंट फेवरेबल होता है बहुत ही आसान होता है मशीन्स के लिए चाहे आप ड्रम वॉश करें मशीन वॉश करें या बकेट वॉश करें सभी के लिए बहुत फेवरेबल होता है और पाउडर की बात करें पाउडर डिटर्जेंट की तो वो वॉशिंग मशीन में चिपक जाता है स्टिक हो जाता है तीसरा हम लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं कि जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है घुल जाता है और पाउडर डिटर्जेंट वाटर सॉल्युबल नहीं होता अब आपका सवाल होगा कि मैं लिक्विड डिटर्जेंट को ही क्यों चॉइस करूं तो जो लिक्विड डिटर्जेंट्स होते हैं ना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं चाहे आप वॉशिंग मशीन से धोएं चाहे आप नॉर्मली अपने कपड़ों को धोएं चाहे आप कैसी भी अपने कपड़ों को वॉश करें आपको कम मेहनत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिक्विड डिटर्जेंट से मिलते हैं और लिक्विड डिटर्जेंट से आपके जो कलर होते हैं कपड़ों के जो कलर होता है ना वो कलर भी आपका फेड नहीं होता है और लिक्विड डिटर्जेंट बहुत ही आसानी से स्टैंड को भी निकाल देता है जो जिसको हम बोले जो जिद्दी वाले दाग होते हैं ना उसको भी निकाल देता है और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पाउडर डिटर्जेंट से हज़ारों गुना अच्छा और इफ़ेक्टिव होता है लिक्विड डिटर्जेंट अभी मार्केट में तो बहुत सारे लिक्विड डिटर्जेंट्स के ऑप्शन हैं तो सबसे बेस्ट कौन सा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब भी लिक्विड डिटर्जेंट चॉइस करें तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है सबसे पहले तो वो इको फ्रेंडली हो हमारे इन्वामेंट को कोई नुकसान ना हो हमारी बॉडी के लिए स्किन के लिए अच्छा हो हमारे कपड़ों के लिए अच्छा हो अब आप ये सारी क्वालिटी अगर ढूंढेंगे ना और आप डिटर्जेंट्स को सर्च करने जाएंगे तो बहुत ही महंगे महंगे डिटर्जेंट आते हैं आप चले जाइए अमेज गूगल पे सर्च कर लीजिए आपको जो नॉर्मल जैसे मैं बात करूँगी एरियल कंपनी की मामा अर्थ जो कंपनी है उनके भी डिटर्जेंट काफ़ी काफ़ी महंगे होते हैं और आज मैं जिस डिटर्जेंट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है एटमी लिक्विड डिटर्जेंट जैसे कि मैंने आपको अभी इसका दिखाया इस डिटर्जेंट में क्या खासियत है उसके ऊपर हम बात करेंगे ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है सिर्फ एक रुपये में आप अपना एक जोड़ी कपड़े धो सकते हैं कैसे तो बने रहिए वीडियो में एटमी लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटी है सबसे पहले तो इसके अंदर पाई मिडल एक्स्ट्रैक्ट यूज़ किया है जो आपके स्किन को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होने देता और आपके कपड़ों की जो वॉशिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है मतलब आपके कपड़ों को मेनटेंस करता है इसके अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे क्लिनजिंग इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट करके इस लिक्विड डिटर्जेंट में यूज़ किए हैं जो बहुत ही आसानी से आपके कपड़ों की क्लीनिंग कर देते हैं साथ ही साथ ये जो डिटर्जेंट है एटमी लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट ये आपके कपड़ों का कलर भी फेड नहीं होने देता और जिद्दी से जिद्दी जो दाग होते हैं स्टैन होते हैं उसको बहुत ही आसानी से रिमूव करता है तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर कंपनी ने थ्री प्लांट प्लांट बेस्ड डिराइव्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग के लिए तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम देखते हैं इसमें क्यूलिया यूज़ किया है सोप वेरी जिसको रीठा बोलते हैं जिससे हम हमारे हेयर भी वॉश करते हैं और सोप वर्ट इसमें यूनिया की हम बात करें तो ये एक प्लांट है इसके अंदर जो इनर बार्क होती है ना उसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है बहुत बेनिफिशियल होती है इसको सोप बार्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर नाइन परसेंट सेपोनिन होता है सेपोन की बात करें ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करता है जनरली इसको साउथ अमेरिकन के लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए दूसरा इसके अंदर रीठा यूज़ किया है जो सोप वेरी रीठा आप समझ सकते हैं हमारे दादी नानी उस समय मेहंदी वगैरह में लगा के या लोग डायरेक्टली भी रीठा से अपने बाल धुलते थे अब आप, आप सोचिए जिस चीज़ से हम हमारे बाल धुलते हैं जिससे हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कंपनी ने रीठा को एक्सट्रैक्ट करके एटमी लिक्विड डिटर्जेंट बनाया है ये बहुत ही मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी रीठा की हम बात करें रीठा के अंदर बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फोमिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, होती है और उसका टेक्सचर बहुत ही सॉपी सा होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से ये क्लीनिंग करता है तीसरा इसके अंदर सोप वर्ड यूज़ किया है सोप वर्ड की हम बात करें तो सोप वर्ड ये लैटिन वर्ड है जो सोप से लिया गया है साबुन से लिया गया है इसकी अगर हम लीव्स या हम बात करें इसको लीव्स और रूट्स को अगर हम मैश करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है जो बबल सा टेक्सचर आता है वो टेक्सचर जो ज़िद्दी से ज़िद्दी स्टैन होते दाग होते हैं ना उसको रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है तो ये तीनों बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट एच एम ने यूज़ किए हैं लिक्विड डिटर्जेंट में एक्सट्रैक्ट करके जो क्लीनिंग करते हैं साथ ही साथ क्लीनिंग के साथ हमारे हाथों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें तब समझ में आती जब हम दिवाली की इकट्ठी सफाई करते हैं और बहुत सारे कपड़े पता नहीं क्या क्या धोने के लिए निकलता है तो उससे हमारे हाथों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है तो इसमें जो कंपनी ने पाइन निडल एक्सट्रैक्ट यूज़ किया ना उसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है और बहुत ही स्ट्रांग फाइट्रोसिनाइड होता है जिसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं जो आपके हाथों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता तो इस एटमी लिक्विड डिटर्जेंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं आप अपने कपड़ों की जान बचा सकते हैं अपने कपड़ों को हेल्दी रख सकते हैं हम बहुत ही महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं हम बहुत ही महंगी शर्ट्स भी लाते हैं बट एट द एंड महंगी लाएँ चाहे हम नॉर्मल रेंज के लाएँ बट एट द एंड क्या होता है हमारा जो डिटर्जेंट होता है ना उससे हम रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के हमारे कपड़ों की क्वालिटी भी खराब करते हैं हमारी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आता है हमारे स्किन पर भी इफ़ेक्ट आता है परेशानियां हमें होती वो और हमें फेस करना पड़ता है तो एक डिटर्जेंट हमें इतना परेशान करता है इतना सताता है इससे बेस्ट है कि हम एटमी लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट को अपनाएं और अपनी सभी समस्याओं को दूर कर पाएँ और ये बहुत ही कॉस्ट डिफेंट्री डिटर्जेंट की मैं बात करूँ एटमी लॉन्ड्री डिटर्जेंट की तो ये टू थाउजेंड एम एल का आता है मतलब दो लीटर और इसकी जो क्वांटिटी होती है जैसे एक बार मशीन में हम जो भी दस बारह जोड़ कपड़े धोते हैं ना उसमें आपको सिर्फ ट्वेंटी एम एल यूज़ करना है और आप एक बार की मशीन का एक लॉट के कपड़े सारे धुल लेंगे अब हम देखते हैं कि ये टू लीटर डेट मीन्स दो हज़ार एम एल टू थाउजेंड एम एल अब हम 20 ml पर क्वांटिटी लग रही है तो 2000 ml को हम 20 ml से डिवाइड करेंगे तो 100 निकल के आता है मतलब आप इस लिक्विड डिटर्जेंट से 100 बार कपड़े धो सकते हैं और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये तेरह सौ का है अभी 100 बार हम कपड़े धो सकते हैं इससे तो तेरह को हम सौ से डिवाइड करेंगे तो तेरह कॉस्टिंग निकल के आती है एक बार के लॉट में हम 10 से 12 जोड़ कपड़े आराम से धो सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि मात्र एक रुपये के समथिंग आसपास कम ज़्यादा हो सकता है इसकी कॉस्टिंग निकल के आती है जिससे कि आप जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपको होने वाली है या आपके हज़ारों रुपये खर्च होने वाले हैं ये डिटर्जेंट आपको उससे बचा सकते हैं अगर आप है। मार्केट के बहुत सारे ब्रांड्स हैं अगर हम उसके लिक्विड डिटर्जेंट में जाएंगे मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन ब्रांड ए वो हर घर में फ़ेमस है आप उसमें जा सकते हैं आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे निकल के आएगा पाँच सौ एम एल पाँच सौ रुपये का आता है दो लीटर और उसमें बोला जाता है जैसे हम मान लेते हैं टू थाउजेंड एम एल हो गया यहाँ बीस एम एल आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है उसमें साठ से अस्सी एम एल बोला जाता है पर लॉट के यूज़ के लिए अब हम सिर्फ सिक्सटी एम एल को ही अगर पकड़ते हैं और दो हजार एम एल से डिवाइड करते हैं तो आप थर्टी थ्री पॉइंट थ्री मतलब मान लेते हैं थर्टी फोर टाइम्स आप कपड़ों को वॉश कर सकते हैं अगर आपको मार्केट के ब्रांड्स में अगर आप जाएंगे या ब्रांड ए में अगर आप जाएंगे और आपको सौ बार कपड़े धोने हैं मतलब आपको पंद्रह सौ रुपये खर्च करना पड़ेगा जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट या बेनिफिट भी नहीं होगा शायद वो इको फ्रेंडली भी ना हो तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो एटमी लिक्विड डिटर्जेंट है बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि एक बार सिर्फ एक बार आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए इसके फ़ायदे को आप समझिए और एक बार जब आप यूज़ करेंगे ना तो आप दुनिया का कोई भी ब्रांड पर यूज़ करने नहीं जाएंगे तो होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की डेमो की मैं बात करूं तो अभी लॉकडाउन है तो यहाँ पे मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल नहीं है डेमो के लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो मैं इस प्रोडक्ट का डेमो वीडियो एक बार अलग से लेकर आऊँगी तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं बाय एवरी थैंक यू सो मच टेक केयर